गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से मैं पैट्रिक मुर्मू आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग एक प्रकार का विधि है जिसमें दो धातुओं को आपस में फ्यूजन वेल्डिंग विधि के द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पर प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब वेल्डिंग के बारे में विस्तार से जानने से पहले हम लोग इसके सावधानियों के बारे में जानेंगे कि हम लोग को किन किन सेफ्टी का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि जानते हैं कि कारीगर का ड्रेस ढीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वेल्डिंग करते समय हम लोगों को जूते का इस्तेमाल करना, यानी कि जूते पहन के वेल्डिंग करना चाहिए। आंखों में सेफ्टी चश्मा होना चाहिए, सिर में हेलमेट, वेल्डिंग करते समय चमड़े के दस्ताने और सही हम लोग को वेल्डिंग करते समय नंगी आंखों से हमें आर्क वेल्डिंग को नहीं देखना चाहिए। इससे हम लोग को आंख में दर्द उत्पन्न हो सकता है। गीले स्थान में हम लोग को आर्क वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। हम लोग को हैंड शील्ड या हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सभी बातों को वेल्डिंग करते समय हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम लोग इस बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए सावधानी को हम लोग पहले जान लिए। अब हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स हम लोग का क्या क्या है। तो पहला जैसे हेलमेट, दूसरा है हैंड शील्ड, हैंड शील्ड होता क्या है? जो हम वेल्डिंग के दौरान हाथ में पकड़ के देखते हैं वो हैंड शील्ड का रहा। तीसरा चश्मा, चौथा है दस्ताने, और पांचवा है एप्रॉन। अब यहाँ देखेंगे कि एप्रॉन क्या है। तो वेल्डिंग के दौरान हम लोग जब आर्क वेल्डिंग करते हैं तो कुछ छींटे पड़ते हैं, उस छींटों से अपने आप को बचाने के लिए हम लोग चमड़ा का एक वस्त्र पहनते हैं आगे की ओर, ताकि हमारे कपड़े को बचाया जा सके, उसे एप्रॉन कहते हैं। ये सब हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स है जिसको हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। तो वेल्डिंग करने के दो प्रकार हैं। पहला है प्रेशर वेल्डिंग, और दूसरा है फ्यूजन वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रेशर वेल्डिंग। ये प्रेशर वेल्डिंग हम लोग कैसे करते हैं? इसमें हम लोग धातु के टुकड़े को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते हैं, यानी प्लास्टिक अवस्था माने हम लोग इतना उसको गर्म करते हैं कि वो नर्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस मेटल को ऊपरी प्रेशर के द्वारा
यानी कि दो मेटल है, दोनों को हम लोग प्लास्टिक अवस्था तक नर्व किए, इसका दोनों को हम लोग प्रेशर के द्वारा दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, इसी को कहते हैं प्रेशर वेल्डिंग। इसमें अतिरिक्त फिलर मेटल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग फोर्स वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है, ये दोनों जो है प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। अब है दूसरा जो कि है फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि धातु के टुकड़ों को पिघलने वाली अवस्था देखेंगे। पहला में हम लोग प्लास्टिक अवस्था तक लाए थे, अब फ्यूजन में हम लोग पिघलने वाली अवस्था तक गर्म करके वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। और इसमें फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है, हम लोग प्रेशर में नहीं कर रहे हैं और फ्यूजन में फिलर मेटल का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या इसके अंतर्गत है थर्मिक वेल्डिंग, इसके अंतर्गत आती है थर्मिक वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग कार्बन आर्क वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ये तीनों जो है फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। अब ये तो हो गया टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग कितने प्रकार के है, दो है प्रेशर फ्यूजन। प्रेशर में दो आएगा फोर्स रेजिस्टेंस, इसमें फिलर मेटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। फ्यूजन वेल्डिंग इसमें फिलर मेटल का इस्तेमाल करते हैं और वो मेटल गलने तक हम लोग गर्म करते हैं। ये तीन प्रकार है फ्यूजन वेल्डिंग का, थ्रेट वेल्डिंग, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। अब हम लोग आगे देखेंगे वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन, आखिर वेल्डिंग मशीन होता क्या है? वेल्डिंग मशीन एक साधन है जिसको वेल्डिंग के लिए करंट सप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसमें पावर की सप्लाई को आवश्यकता अनुसार वोल्टेज, करंट और आवृत्ति में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। इसे हम लोग को मेटल के अनुसार हम लोग को वोल्टेज बढ़ाना है घटाना है तो हम वेल्डिंग मशीन से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वेल्डिंग मशीन में भी अब टाइप्स आया है कि कितने टाइप्स के वेल्डिंग मशीन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर,
ट्रांसफार्मर, दूसरा है मोटर जनरेटर, मोटर जनरेटर और तीसरा है वेल्डिंग रेक्टिफायर। वेल्डिंग रेक्टिफायर ये तीन मशीन हैं जिसके द्वारा हम लोग वेल्डिंग कार्य कर सकते हैं। पहला है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, दूसरा मोटर जनरेटर और तीसरा वेल्डिंग रेक्टिफायर। तो हम लोग जानेंगे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं। इसमें एसी करंट या एसी करंट उत्पन्न करता है जिसको पावर लाइन से प्रत्यक्ष पावर मिलती है। ठीक है, यह मशीन छोटा होता है और कम खर्चीला होता है। इसको हम लोग पोर्टेबल माने कहीं भी ले जाकर के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा है मोटर जनरेटर। मोटर जनरेटर हम लोग जैसे कि सब देखे हुए लेकिन बता देता हूँ, यह प्रत्यक्ष करंट उत्पन्न करती है। ठीक है, जिसे पेट्रोल और डीजल से हम लोग चलाते हैं। अब है वेल्डिंग रेक्टिफायर। क्या आखिर वेल्डिंग रेक्टिफायर क्या है? इसमें एसी करंट को हम लोग डीसी करंट में परिवर्तित करते हैं। रेक्टिफायर पर जो ऊपर में रेक्टिफायर बॉक्स है, इसके ऊपर में एक स्विच होता है। इस स्विच को घुमाकर आउटपुट टर्मिनल को परिवर्तित किया जा सकता है और पोलैरिटी को परिवर्तन द्वारा एसी या डीसी को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, मोटर जनरेटर और वेल्डिंग रेक्टिफायर। तो यह हम लोग अपने वर्कशॉप में ज़्यादातर हम लोग वेल्डिंग रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसे ज़रूरत पड़ने पर हम लोग देखे होंगे कि मार्केट में ज़्यादातर मोटर जनरेटर से काम होता है। और पोर्टेबल यानी कि घर में अगर वेल्डिंग कोई मिस्त्री करता है तो उस जगह हम लोग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हल्का होता है, कम खर्चीला होता है, कहीं भी ले जाके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे। थैंक यू।